हेलो दोस्तों, आप देखो मेरा यूट्यूब चैनल सेम लाइफ न्यू व्लॉग। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो, दोस्तों आज का व्लॉग है, मैं आपको दिखाऊंगा कि दोस्तों बियर्ड को कैसे स्ट्रेट करें बिना किसी न्यूट्रलाइजर के और बिना किसी क्रीम के, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपने वीडियोज़ देखी होंगी बहुत सारी यूट्यूब पे कि क्रीम के साथ अपनी बियर्ड को कैसे स्ट्रेट करें। सो दोस्तों बिना किसी क्रीम के और बिना किसी न्यूट्रलाइजर के मैं आपको बियर्ड स्ट्रेट करके दिखाऊंगा दोस्तों, और विद प्रूफ। और आपको दिखाऊंगा दोस्तों मैं कि किसके साथ मैंने इक्विपमेंट्स को, कौन सी मशीन मैंने यूज़ करी है, कौन सा मैंने इक्विपमेंट्स यूज़ किया है, ठीक है दोस्तों। और एंड तक प्लीज़ बने रहना दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि फ्यूचर में कोई भी मेरी वीडियो मिस ना करे। जो दोस्तों वीडियो को शुरू करो। ये है दोस्तों एक मॉडलिंग फॉर्म, थोड़ा जूम करो इस पर। ये देखो दोस्तों मैं आपको नजदीक अगर दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों मॉडलिंग फॉर्म सेकेंड जनरेशन। इस पर दोस्तों आप टाइट ऑफ फॉर्म इजी टू यूज, बिल्कुल इजी है दोस्तों यूज करना भी, और ओपन द इंडिकेटिंग और द पावर स्विच, ठीक है दोस्तों। ये देखो दोस्तों आप इसके नीचे मॉडलिंग फॉर्म है सेकेंड जनरेशन, वॉल्यूम डाउन स्ट्रेट, ठीक है दोस्तों आप डाउन स्ट्रेट। तो फिर इससे आप, इसका एक बेनिफिट भी है दोस्तों, इससे आप अपनी बियर्ड को ही नहीं, अपने बाउंसी हेयर जो आपके बालों में थोड़ा बाउंस नहीं आ रखा है तो उसको भी आप बाउंसी हेयर बना सकते हो दोस्तों इससे, इस एक चीज से। तो दोस्तों इसके करते हैं अनबॉक्सिंग। ये देखो आप देख सकते हो, ये दोस्तों मैंने अमेजोन से परचेज किया था, जो कि अगर आपको ये मशीन बाय करनी है दोस्तों मैं इसको डिस्क्रिप्शन इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है दोस्तों आप इसको जाके देख सकते हो। और चलो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। ये देखो दोस्तों मैंने इसको ओपन कर लिया है, देखो ये लिखा हुआ है मॉडलिंग फॉर्म सेकंड जनरेशन। सो दोस्तों देखो मैंने इसको पहले यूज़ किया है, तो दोस्तों मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों मैं पहले खुद यूज़ करके फिर आपके लिए बनाता हूँ। ये देखो दोस्तों ये है मशीन, और अभी हम इसको यूज करेंगे। और इसकी देखो तो वायर भी अच्छी है, ताकि आप कहीं भी इसको कहीं भी अगर साथ लेके जाओ तो साथ लेके जा सकते हो। ये देखो दोस्तों आपको रेड डॉट आया होगा इसका, मशीन स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों अभी इसको थोड़ा सा हम 2 मिनट के लिए इसको स्टे कराएंगे, फिर हम इसको अपनी बियर्ड पर स्ट्रेट करेंगे। अभी ये गर्म हो चुकी है और आपको मैं दिखाता हूँ कि अपनी बियर्ड को स्ट्रेट करके दिखाता हूँ एक बार। मैं देखो दोस्तों आपके पास कोई भी एक फॉर्म हुआ तो आप उसको अपने बियर्ड को पहले इसको मत देते हैं। देखो दोस्तों आप देख सकते हो पहले इसमें बियर्ड को बिल्कुल अच्छे से थोड़ा फॉर्म करना है, ताकि आप इसमें ताकि ये बाल आपके फंसे ना जो आप मशीन यूज़ करोगे। तो देखो दोस्तों अच्छे से इसको कॉम करना है, अगर किसी के दोस्तों मचे है तो उसको आप थोड़ा फिर ऐसे करके उठा सकते हो, तो उसके नीचे से आप कर सकते हो ऐसे। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि फ्यूचर में कोई भी मेरी वीडियो मिस ना करें आप। तो ऐसे ही दोस्तों मेरे साथ वीडियो में बने रहे, ठीक है, और अब मज़ा आएगा वीडियो में, आपको सीखने को मिलेगा। देखो दोस्तों मशीन गर्म हो चुकी है और मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक सेकेंड, ये देखो ये रेड हो रहा है और आई थिंक ये गर्म हो चुकी है। तो देखो दोस्तों हम पहले ऊपर से लेके ऐसे नीचे लेंगे, आप देख सकते हो। ये देखो दोस्तों, ये देखो आप इसको देखो, अपनी मच को आप ऊपर उठा के ऐसे कर सकते हो दोस्तों, देखो। और दोस्तों इसका एक बेनिफिट है, आप कहीं किसी पार्टी में जा रहे हो और आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही एक अच्छी चीज़ है दोस्तों। मैंने इसको काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये देखो इजीली ही दोस्तों एक साइड से हमारी बियर्ड स्ट्रेट हो चुकी है। और इसमें देखो दोस्तों कितना डिफरेंस है, आप देख सकते हो। ये देखो दोस्तों ये कैसे उठी उठी सी है, और ये देखो दोस्तों इसको भी हम कैसे ऐसे ही करेंगे। ये देखो
Charlie de guerra al embano. Dale en la línea de fuego y deme en la mano. Acepto mi guerra. दोस्तों किसी की मच है तो आप उसको अपनी मच को थोड़ा ऊपर की साइड कर सकते हो ऐसे, और अपनी मशीन को आप यूज कर सकते हो। ये देखो दोस्तों हमारी बियर्ड स्ट्रेट हो चुकी है, ये देखो दोस्तों। और दोस्तों आपको जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि आप अपने बालों को भी कैसे बाउंसिंग थोड़ा कर सकते हो बालों में, देखो ये देखो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, ये देखो दोस्तों। दोस्तों बिना कोई आयन मशीन के आप इसे बाउंसी भी ही कर सकते हो अपने हेयर, ठीक है। और दोस्तों थोड़ी सी भी वीडियो यार हेल्पफुल लगे तो प्लीज अपने भाई का चैनल है यार सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि फ्यूचर में कोई भी मेरी वीडियो मिस ना करे यार। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।